इंदौर जिले में मंगलवार को भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदला और बिजली कड़कने के साथ बारिश भी हो गई। इसी दौरान एक दर्दनाक घटना हो गई, जिसमें बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना इंदौर जिले के हाथों थाना क्षेत्र के निवेड़ी गाँव की है। यहाँ बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि एक गंभीर घायल है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मृतकों में सौदान व बच्चे निरंजन और मुस्कान शामिल है। सौदान की पत्नी अनीता गंभीर घायल है। बताते हैं कि ये सभी हाथोद के रेशम केंद्र से जमुड़ी वाले रोड पर कहीं जा रहे थे, तभी बारिश के कारण एक पेड़ के नीचे रुके थे, तभी बिजली गिरी जिसकी चपेट में आ गए। सभी को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां सौदान सिंह, बेटी मुस्कान और बेटे निरंजन की मौत हो गई। वहीं सौदान की पत्नी अनीता गंभीर रूप से घायल है।